दोस्तों हमें डेली लाइफ में बहुत से ऐसे जगह काम आते हैं जहाँ पे जो है हम कोई भी एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं तो उसको चाहते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करें, या हमारे पास जो भी पीडीएफ फाइल है उसको हम चाहते हैं कि एमएस ऑफिस में कन्वर्ट करके उसमें हम कुछ एडिट करें, कुछ जो है टाइप करें। और बहुत से ऐसे जगह हमको काम आता है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो इमेज वाला फाइल है जो जेपीजी में, उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखें या कहीं पे हम उसे यूज करें। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पीडीएफ रिगार्डिंग आपको जरूरत पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा जो काम होता है पीडीएफ रिगार्डिंग, यहाँ पे टोटल 21 हम टूल्स दिख आपको बताने वाले हैं जो कि आप कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ में, वो भी आप अपने सिस्टम के मदद से बिना कोई सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमें जो है अपने सिस्टम में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जो दोस्त अगर सिस्टम में नहीं करना चाहते हैं तो वो जो है अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। नहीं तो हम आगे और भी आपको दूसरा प्रोसेस बताएंगे जो कि आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। सो यहाँ से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। यहाँ से जो है हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं और इसके सर्च बार में हमको जो है एक वेबसाइट सर्च करना है जिसका नाम है स्मॉल पीडीएफ। तो यहाँ से आप सर्च कीजिए स्मॉल पीडीएफ, जो पहला नंबर का लिंक आएगा smallpdf.com, आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये जो वेबसाइट है ये टोटली फ्री वेबसाइट है और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो आप अपने पीडीएफ रिगार्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ को वर्ड में, कंप्रेस कर सकते हैं किसी पीडीएफ को, कोई भी वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं दो पीडीएफ को एक साथ, एडिट कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ को। तो बहुत सी यहाँ पे टूल्स हैं, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या चाहते हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कुछ पॉपुलर आपको पीडीएफ टूल्स मिलते हैं जो कि आपको ऊपर में दिख रहा है। यहाँ पे टोटल 21 टूल्स है, उसके लिए आपको सी ऑल पीडीएफ टूल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस जो है आप अपने फ़ोन के ब्राउजर क्रोम ब्राउजर में भी जाके कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 21 टूल्स जो है ओपन हो चुका है, इसके मदद से जो है आप कोई भी पीडीएफ में वर्क कर सकते हैं। देखिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। मान के चलिए हमारे पास जो है कोई एक एमएस वर्ड में डाटा है तो हम वो डाटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे वर्ड टू पीडीएफ। तो इस 21 टूल्स में हमको कहीं पे मिलेगा तो हम वो टूल्स को यहाँ पे ढूंढेंगे। देखिए ये टूल्स है हमारा वर्ड टू पीडीएफ, हम इस पर क्लिक करेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लिक कीजिए, उसके बाद सेम प्रोसेस होगा सारे में, चूज फाइल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए। अपने सिस्टम में जहाँ पे भी रखें वो फाइल यहाँ पे, जैसे मान के चलिए ये है, हम इसे सेलेक्ट करके इसे हम ओपन करेंगे, हमारा फाइल जो अपलोड होगा, अपलोड होने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट होकर हमको देगा। तो देखिए हमारा फाइल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये सिस्टम में अभी डाउनलोड नहीं हुआ है। इसे सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है बगल में और यहाँ पे ये एक्सपेंड मेन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। सेव टू डिवाइस, या अगर आप इसका प्रीमियम ले रखे होंगे तो इस पर भी कर सकते हैं, स्मॉल पीडीएफ पे, ड्रॉप बॉक्स पे कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव पे अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है यहाँ से सेव कर सकते हैं इस पीडीएफ को। यहाँ से हम सेव टू डिवाइस करते हैं, इसे हमें अपने सिस्टम में कहाँ सेव करना है, सेव कर लीजिए, वहाँ पे आपका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे सेव हो चुका है। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको टोटल 21 टूल्स मिल जाता है और ये टोटल 21 टूल्स बिल्कुल फ्री मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको किसी भी तरह का प्रीमियम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा या किसी भी तरह का बैलेंस आपसे मांगा जाएगा। चलिए हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देते हैं कि अगर आप ये सारा प्रोसेस अपने फ़ोन में कर रहे हैं तो एक तो आप जो है अपने फ़ोन के ब्राउजर में जाके कर सकते हैं, लेकिन मान के चलिए आपको ब्राउजर में नहीं करना है तो इसके लिए जो है आप इसका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर लीजिए स्मॉल पीडीएफ, वहाँ पर जो सबसे पहला नंबर का ऐप आएगा इसका लोगो देख लीजिए, आपको लोगो जो इस तरह का दिखेगा। सो वहाँ से जो है आप उस वो ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में कोई भी फाइल को एडिट कर सकते हैं, पीडीएफ रिगार्डिंग टूल्स जो है यूज कर सकते हैं। सो ये था एक फुल वीडियो जिसमें आपने जो है सीखा कि 21 टूल्स जो हमको पीडीएफ रिगार्डिंग मिलता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं और क्या क्या हम पीडीएफ में कर सकते हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिएगा। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।